नमस्कार जी, मलविंदर कौर गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं जी। बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का सिंगोनियम कटिंग से तैयार हुआ है ये मेरा सिंगोनियम। तो पहले मेरे पास प्लांट था, वो ख़राब हो गया, तो उसी से कटिंग निकाल के मैंने दोबारा से जो है ग्रो किया है। आज का वीडियो है मेरा मधु कामनी, जो है मैंने रिपॉट किया है। तो नर्सरी से ला के हम कितने दिन अपने प्लांट को रख सकते हैं और रिपॉट क्यों करना है और कैसे मिट्टी में करना है, यही प्लांट मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। रिपॉटिंग तो हो गई है मेरे प्लांट की, मैंने बाद में सोचा कि आपको भी मैं बताऊँ। एंड तक बनिएगा मेरे साथ और बताऊँगी कि मेरे प्लांट की क्या हालत हो गई थी और दिखाऊँगी भी। ये देखिए, चिकनी मिट्टी में लगा था ये प्लांट, इसलिए मेरे प्लांट की ये हालत हो गई थी। वो लोग जब नर्सरी से हम प्लांट लेके आते हैं तो नर्सरी से जो प्लांट्स में मिट्टी भरी होती है, चिकनी होती है, चिकनाहट होती है बहुत सारी। ये देखिए मैं हाथ में ले रही हूँ और मसल भी रही हूँ, तो चिकनाहट बहुत है। जो घर की मिट्टी है, ये देखिए मेरे गार्डन की है, तो एकदम से भुरभुरी है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट से जो किचन से वेस्ट निकलते हैं उससे खाद बनती है वो डाल देती हूँ। तो जो सब्जियों के छिलके हैं या पत्तियों की खाद है, जो वर्मी कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक ही मैं यूज़ करती हूँ, केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस तरह से आप अपने जब भी प्लांट लाएं 15-20 दिन तक प्लांट को रख सकते हैं ताकि वो आपके प्लांट्स के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ढल जाए। तो ये मधु कामनी का मेरा प्लांट था, मैंने 15-20 दिन के ज़्यादा ही कुछ टाइम रखा। तो आप एंड तक देखिएगा मेरे प्लांट की हालत क्या हो गई थी। तो इस तरह से कुछ पत्तियाँ इसकी जो है झुलसने लग गई थी, बिल्कुल ड्राई हो गई थी। तो मुझे लगा मेरा प्लांट ख़त्म होने वाला है, तो मैंने जल्दी से इसको रिपॉट कर दिया। रिपॉट करते टाइम मैं आपको वीडियो शेयर नहीं कर पाई हूँ, बट अभी मैंने रिपॉट किया है। ये देखिए भुरभुरी मिट्टी है, ऑर्गेनिक वे से जो मैं मिट्टी बनाती हूँ उसी तरह से मैंने इसमें रिपॉट किया है। तो नर्सरी वाले जो होते हैं वो इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, चाहे वो लाल मिट्टी हो, चिकनाहट वाली मिट्टी हो। तो इस पॉट में इसमें लगा हुआ था, तो रूट्स इसकी बनी हुई थी, बट ऊपर से ये प्लांट मेरा ख़राब हो गया था। एंड में दिखाऊंगी इस प्लांट की मेरी हालत क्या है, बने रहिएगा। तो ये चिकनाहट मिट्टी जो मैंने है निकाल दी है और अभी जो अपनी गार्डन की मिट्टी है वो ली है। तो 15-20 दिन आप अपने प्लांट को लाएं, रखें और अपने प्लांट्स के जो माहौल हैं उसमें ये प्लांट ढल जाता है। बट ज़्यादा दिन आप मत रखें, क्योंकि मिट्टी जो है लाल मिट्टी भी होती है, चिकनी मिट्टी भी होती है, इससे हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। क्योंकि जो केमिकल वो डालते हैं हमें इतना नॉलेज नहीं होता। कई लोग केमिकल जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, बट मैं ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ। तो कोई DAP वगैरह ये सब यूज़ करते हैं, इससे जो प्लांट की जो है ग्रीनरी बनी रहती है। ये मधु कामनी का प्लांट है, आगे मेरी देखिए अभी ग्रोथ चल रही है इसकी। ख़राब हो गया था प्लांट, बट अभी मेरा जो प्लांट है बिल्कुल अच्छे से मैंने रिपॉट किया है, चिकनी मिट्टी बिल्कुल निकाल दी है और थोड़ी ऑर्गेनिक खाद वगैरह जो है मैंने डाल दी है। तो जब भी लाएं 10-15 दिन आप रखें, बट फिर बाद में जो है रूट्स को सारे को अलग करके, मिट्टी को अलग करके, तो अपने घर की मिट्टी जो आप यूज़ करते हैं गार्डन में, उसी मिट्टी में आप इसे जो है लगा सकते हैं। तो इससे जो आपके प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे। और कटिंग लगाइए, कटिंग का बहुत ही अच्छा मौसम है। ये देखिए चिकनाहट वाली मिट्टी तो मैंने एक पॉट में भर ली है, तो मिक्स भी कर सकती हूँ मैं दूसरी जो मेरी मिट्टी गार्डन की है, या फिर मैं फेंक दूँगी इसे, ज़्यादा मैं नहीं लाऊंगी। नहीं तो जो है आप कोई प्लांट लाना चाहो तो इसमें लगा सकते हो, बट मैं इसे कम ही यूज़ करूंगी। तो ये देखिए मेरा कितना अच्छा सा मधु कामनी का प्लांट है, वो बिल्कुल अब अच्छे से हो गया है। मैंने ड्राई लीव्स हैं वो निकाल दी हैं। तो इस तरह से आप जब भी अपने प्लांट को लाएं तो जो है जल्दी से 15 दिन या हफ्ता रखें, 1 वीक के बाद उसे रिपॉट कर दें। और जब प्लांट लाएं तो छोटे गमले में लगाएं ताकि रूट्स जो ज़्यादा बढ़े ना। ये देखिए मेरे प्लांट की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, तो मुझे इसीलिए रिपॉट करना पड़ा। तो ये पत्तियाँ सूखने लग गई थी, तो इस तरह से मैंने इसको निकाल के तो जल्दी से रिपॉट कर दिया। तो आपके सामने ये जो मेरे प्लांट हैं अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, तो इस तरह से लग गया है। तो आप गलती ये ना करें। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब रिपोर्टिंग के बाद ये ऐसा है मेरा प्लांट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।